देखो, आज की वीडियो में हम क्रैब्स साइकिल की बात करेंगे। अब क्रैब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम देखेंगे कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है काफी, और ये जो दोनों तीनों कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म से लिंक्ड होती है। क्योंकि हम देखेंगे कि काफी सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के, वो फिर बाद में DCA में ही आते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। और हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी जनरेट होती कैसे, तो और ये होती क्या, ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब होता क्या है कि जो पहला स्टेप है ना, जो ये दिखाया हुआ, ये TCA का पार्ट नहीं है। TCA बेसिकली ये जो सारी साइकिल है, ये TCA जो पहला स्टेप हो रहा है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ TCA। होता क्या है, जो पायरुवेट हमने ग्लाइकोलिसिस में बनाया था, वर्सेस एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि एनारोबिक का तो लैक्टेट था। तो होता क्या है, पायरुवेट जो साइटोसोल के अंदर बना था, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट होने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक एंजाइम होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स करता है क्या, पायरुवेट को एसिटाइल कोए में टू कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। अब इसकी खास बात जो यहाँ पे याद रखनी है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की, वो ये है कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, इसको पांच को फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं। वो पांच को फैक्टर्स के नाम याद कर लेने, एक तो NAD रिक्वायर होता है एज अ को फैक्टर, एक तो FAD रिक्वायर होता है एज अ को फैक्टर, लाइपोइक एसिड रिक्वायर होता है एज अ को फैक्टर, को एंजाइम ए रिक्वायर होते हैं, एंड थायमीन पायरोफॉस्फेट रिक्वायर होती है। ये पांच को फैक्टर्स हैं जो कि याद रखने हैं। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, TPP विच इज नोन एज थायमीन पायरोफॉस्फेट, को एंजाइम ए, लाइपोइक एसिड, NAD एंड FAD। एंड इसकी खास बात यह है कि अगर तो इस एंजाइम में कोई डेफिशिएंसी हो जाए, इस एंजाइम में कोई म्यूटेशन आ जाए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की, तो फिर पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा एंड आपकी TCA साइकिल नहीं चल पाएगी सही से। एंड इस केस में ज्यादातर पेशेंट्स को लैक्टिक एसिडोसिस भी देखा गया, वो इसलिए देखा गया क्योंकि जो पायरुवेट है वो फिर अपने लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर लैक्टेट फिर आगे लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस हो जाता है, एंड जो लैक्टिक एसिड है वो ज्यादा प्रोड्यूस होकर लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कर लेता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी एक और खास बात, क्योंकि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के पांच को फैक्टर्स हैं, तो वो कुछ वाइटामिन आते हैं, उन वाइटामिन की मैं बाद में इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जो NAD, FAD, लाइपोइक एसिड एंड कोएंजाइम ए एंड NAD एंड TPP जो आ रहे थे। तो हम पहले TCA की बात कर लेते हैं। होता क्या, जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें, जो ऑक्सैलो एसिटेटेड TCA में, इसने हमेशा रीजनरेट होना है। ऑक्सैलो एसिटेटेड फोर कार्बन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल को ए एक टू कार्बन कंपाउंड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। ये बनाएगा सिट्रेट, ठीक है, सिट्रेट सिंथेस के थ्रू एसिटाइल को ए एंड ऑक्सैलो एसिटेट ने बनाया सिट्रेट। अब होता क्या, ये जो सिट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेस, और ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये रिवर्सिबल स्टेप नहीं था, ये वाला स्टेप रिवर्सिबल होता है। फिर आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस अल्फा कीटोग्लूटेट में। अब ये इरिवर्सिबल स्टेप है एंड ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसमें होता क्या, बेसिकली ADP एंड कैल्शियम आयंस इस स्टेप को एक्टिवेट करते हैं, वेरस ATP एंड NADH इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं। एंड इस स्टेप की खास बात क्या है कि ये पहला डिहाइड्रोजिनेस है, तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज हो जाता है, बाकी एक NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, फिर NADH ETC में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वो 3 ATPs प्रोड्यूस करेगा। तो ठीक है, तो हुआ क्या, सिट्रेट सिंथेस के थ्रू एसिटाइल को एंड ऑक्सैलो एसिटेट ने रिएक्ट किया एंड दे फॉर्म सिट्रेट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कोएंजाइम ए निकल गया। फिर सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेस कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में, फिर आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस रेट लिमिटिंग स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटेट में। ADP और कैल्शियम एस एक्टिवेटर्स रिक्वायर्ड थे, ATP एंड NADH एस इनहिबिटर्स रिक्वायर्ड थे। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पहला निकल गया एंड NADH यहाँ पे पहले रिलीज हो गया, जो कि चला जाएगा ETC में। फिर होगा क्या, अल्फा कीटोग्लूटेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल को ए में। अगेन यहाँ पे कैल्शियम इसको एक्टिवेट करेगा, ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पे अगेन ये NADH प्रोड्यूस करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जस्ट लाइक प्रीवियस स्टेप। एंड अगेन जो NADH है जो कि इसका प्रोडक्ट है, और अगेन जो सक्सिनाइल को ए जो प्रोडक्ट है, वही इस स्टेप को इनहिबिट करेंगे, जो कि हम देख सकते हैं। एंड यहाँ पे इस एंजाइम की भी खास बात ये है कि जस्ट लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को भी वही पांच को फैक्टर्स चाहिए होते हैं, विच आर कोएंजाइम ए, TPP, लाइपोइक एसिड, FAD एंड NAD। याद रखने, जो ये दो एंजाइम्स हैं इन दोनों को पांच को फैक्टर्स चाहिए, TPP, NAD, FAD, लाइपोइक एसिड एंड कोएंजाइम ए। अब होता क्या है, जो सक्सिनाइल को ए है, सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थियोकाइनेस। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं, यहाँ पे सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू GTP प्रोड्यूस होता है। एंड GTP की खास बात क्या है कि ये या तो एज एनर्जी प्रोडक्ट यूज होगा, या GTP विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेसिस कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ठीक है, क्योंकि GTP हमने देखा ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये ATP में भी कन्वर्ट हो सकता है थ्रू न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेसिस। तो सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट हो गया सक्सिनेट में। अब सक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूमरेट में, और यहाँ पे एक FADH निकलता है।
अच्छा अभी यहाँ पे एक FADH निकले ना, तो वो FADH ETC में जाके 2 ATPs देगा। कुछ किताबों में FADH का 1.5 लिखा हुआ है, जिस तरह NADH का भी कुछ किताबों में 2.5 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 2 लिखा हुआ है। मैं 2 यूज़ करूंगा, FADH ETC में जाके 2 ATPs देगा। एंड यहाँ पे सक्सिनियर डिहाइड्रोजिनेज की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सक्सिनियर डिहाइड्रोजिनेज है, ये वाहिद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का एंजाइम है। बाकी जितने एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के हैं, जो ये वाला एंजाइम है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का है। अब होता है कि जो फ्यूमरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके मैलेट में विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेस, और फ्यूमरेस के थ्रू कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड होता है। फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, फिर मैलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलस स्टेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। एंड अगेन वी कैन सी यहाँ पे लास्ट NADH निकलते हैं, NADH जब चला जाएगा ETC में, वो 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। अब यही पूरी साइकिल थी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सैलस स्टेट रीजनरेट हो गया। अब इस साइकिल में इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो इसके एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स के क्या है, NADH 3 जगहों से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन्होंने मिलकर दिए 3 3 ATP, 3 ATP यहाँ, 3 ATP यहाँ, 3 ATP यहाँ, टोटल 9। FADH एक रिलीज हुआ तो उसने 2 ATP दिए, टोटल हुआ 11। एंड साथ में एक GTP भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी एक ATP ही दे रहा है, अगर वो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज से कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, तो टोटल TCA साइकिल में 12 ATP रिलीज होते हैं। लेकिन सिंस हमने पढ़ा था कि पाइरुवेट जो थे वो 2 बन रहे थे, वो 2 क्यों बन रहे थे, क्योंकि जब हमने ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स पढ़े थे, वो हमने देखा था ये सारे जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप थे इनमें, क्योंकि 2 ग्लिसरेडिहाइड जो 3-फॉस्फेट थे वो 2 थे, इसलिए आगे के जो स्टेप थे वो सारे उनमें 2-2 प्रोडक्ट्स थे। तो जो पाइरुवेट एंड में बना था इनिशियली, वो टोटल 2 पाइरुवेट्स बनने से, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो टोटल ATP प्रोडक्शन होगी वो 12 ATP नहीं होगी, वो होगी 24 ATP। 24 ATP क्यों होगी, क्योंकि 2 पाइरुवेट होंगे और 2 पाइरुवेट फिर 2 दफा TCA में जाएंगे, जिसकी वजह से 12 नहीं 24 ATP बनेंगे। एक तो ये खास बात थी। बाकी हमें कुछ विटामिंस रिक्वायर्ड होंगी जो कि को फैक्टर्स दे रही होती हैं, वो 5 को फैक्टर्स दे रही होंगी। हमको डाइट में राइबोफ्लेविन लेनी होगी। राइबोफ्लेविन क्या कराती है, वो FADH देती है, और वो FAD देती है। और FAD की क्या खास बात है, FAD जो ये वाला स्टेप है अल्फा कीटोग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज वाला, वो यहाँ पे एज अ को फैक्टर यूज होता है इस एंजाइम के लिए। तो FAD राइबोफ्लेविन आपको विटामिन में लेनी चाहिए, उसके अलावा आपको पेंटोथिनिक एसिड लेनी चाहिए। पेंटोथिनिक एसिड जो विटामिन है वो आपको को एंजाइम ए देती है, अगेन को एंजाइम यहाँ पे इस वाले स्टेप का को फैक्टर होती है इस एंजाइम का। बाकी नाइसिन देनी चाहिए, नाइसिन की क्या खास बात है, वो NAD देती है, NAD की क्या खास बात है, अगेन वो इस एंजाइम का को फैक्टर है। नाइसिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथिनिक एसिड, उसके अलावा थायमिन लेनी चाहिए। थायमिन की क्या खास बात है कि थायमिन आपको TPP देती है, थायमिन पाइरोफॉस्फेट, विच इज अगेन अ को फैक्टर ऑफ अल्फा कीटोग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। बाकी लाइपोइक एसिड आपको डाइट में लेनी चाहिए, जो कि अगेन विटामिन है, जो कि अगेन को फैक्टर है इस स्टेप का। एंड इस स्टेप का भी, बट सिंस दिस स्टेप इज नॉट पार्ट ऑफ TCA, इसलिए मैं इस स्टेप की बात नहीं कर रहा। इस एंजाइम के भी वो जो 5 को फैक्टर्स इस एंजाइम के हैं, वही इस एंजाइम के भी हैं। एक तो अगर राइबोफ्लेविन नाइसिन थायमीन पेंटोथिनिक एसिड या लाइपोइक एसिड में किसी की भी आपने डेफिशिएंसी हुई किसी भी बंदे में, तो TCA साइकिल अफेक्ट हो सकती है। और जो वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है उसमें देखा गया, उसमें थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो यहाँ पे भी स्टेप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पाइरुवेट से इसे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो पाता। दूसरा जो अल्फा कीटोग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है वो भी सही से काम नहीं कर पाता वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम में, जिसमें थायमिन की डेफिशिएंसी होती है। बाकी एक चीज मैंने बतानी थी, जो TCA साइकिल है इट इज एम्फीबोलिक इन नेचर। एम्फीबोलिक क्यों, क्योंकि ये दोनों कैटाबोलिक और एनाबोलिक इन नेचर है। क्यों, क्योंकि ये एक तरफ से जो इसके सारे प्रोडक्ट्स है ना, वो कुछ साइकिल्स के इंटरमीडिएट हैं और कुछ साइकिल्स के लिए वैसे रिक्वायर्ड होते हैं, जिस तरह ऑक्सैलो एसिटेट और अल्फा कीटोग्लूटामेट, ये अपने ट्रांसमाइनेशन रिएक्शंस के थ्रू हम देख सकते हैं ये चले जाते हैं अपना, ये ऑक्सैलो एसिटेट आपका एस्पार्टेट बना देगा वेरस अल्फा कीटोग्लूटामेट आपका ग्लूटामिन बना देगा अमाइनो एसिड। एंड वो अमाइनो एसिड हम देख सकते हैं आगे फिर प्यूरिन की सिंथेसिस में भी यूज हो सकते हैं, या वो प्रोटीन की डिग्रेडेशन में भी यूज हो सकते हैं ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन में, तो इसलिए इसको एम्फीबोलिक कहते हैं। बाकी हम देख सकते हैं कि जो सक्सिनाइल कोए आपकी हीम सिंथेसिस के लिए यूज होता है, क्योंकि तो इस तरफ से एक एम्फीबोलिक नेचर यही कि बाकी जो ये चीजें हैं जिसके बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं TCA साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं, वो बाकी साइकिल में भी बाकी डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में भी जा सकते हैं, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक इन नेचर कहा गया। और जो जिन पाथवेज के थ्रू या जिन रिएक्शंस के थ्रू वो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में जाते हैं, उन रिएक्शन को एनाप्लेरोटिक कहते हैं। इसलिए TCA इज ऑल्सो नोन एज एनाप्लेरोटिक, मतलब बेसिकली जो रिएक्शन हैं जो के जिनके थ्रू ये डिफरेंट मेटाबॉलिज्म से लिंक्ड है, उन रिएक्शंस को एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस कहते हैं। जिस तरह अल्फा कीटोग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसिटेट थ्रू ट्रांसमाइनेशन रिएक्शंस आपका कहते हैं, एक तो थ्रू ट्रांसमाइनेशन रिएक्शंस ये जनरेट भी हो सकते हैं,
दूसरा थ्रू ट्रांसमाइनेशन रिएक्शंस ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जिस तरह एस्पार्टेट और ग्लूटामेट दे सकते हैं, जो कि फिर आगे या तो प्यूरीन्स की सिंथेसिस में चले जाएंगे या प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन में चले जाएंगे। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो मैलेट है, मैलेट आपका क्या कहते हैं, पाइरुवेट से पाइरुवेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलिक, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलिक एंजाइम, जो कि क्या कहते हैं अगेन एक तरफ से एनाफिलोटिक रिएक्शन है। बाकी पाइरुवेट ऑक्सैलोसिडेट में कन्वर्ट हो सकता है एक और एनाफिलोटिक रिएक्शन के थ्रू, विच इज थ्रू पाइरुवेट डीकार्बोक्सीलेज, पाइरुवेट डीकार्बोक्सीलेज के थ्रू पाइरुवेट ऑक्सैलोसिडेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, जो ये वाला रिएक्शन है ना, और जो ये दो रिएक्शन है जिसमें जो पांच को फैक्टर्स रिक्वायर है, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। पाइरुवेट एसिटाइल कोए में थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन कन्वर्ट हो रहा है। बाकी अल्फा कीटोग्लुटामेट भी सक्सेनाइल कोए में थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है सक्सेनाइल कोए में। बाकी सक्सेनाइल कोए हमने जो बीटा ऑक्सीडेशन फैट्स की वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें भी देखा था कि सक्सेनाइल कोए आपका प्रोपिनाइल कोए से भी प्रोड्यूस हो जाता है, तो एक तरफ से ये भी एम्फीबॉलिक नेचर है। बाकी सक्सेनाइल कोए हीम सिंथेसिस के लिए यूज होता है। आपका सिट्रेट, सिट्रेट हमने फैटी एसिड सिंथेसिस में पढ़ा था कि सिट्रेट जो टैक्स की सिंथेसिस है वहां पे एज अ एक्टिवेटर यूज हो रहा होता है, तो वो उधर सिट्रेट वहां पे भी जा सकते हैं। एसिटाइल कोए जो एसिटाइल कोए विनो के थ्रू फैटी एसिड की और जो डिग्रेडेशन है वहां से भी प्रोड्यूस हो सकता है। वो एसिटाइल कोए जो बीटा ऑक्सीडेशन थी उसमें जो एंड प्रोडक्ट बना था वो एसिटाइल कोए ही बन रहा था। बाकी तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं ये बाकी डिफरेंट मेटाबॉलिज्म से भी लिंक्ड हैं, इसलिए इस साइकिल को एम्फीबॉलिक इन नेचर कहा गया, और जिन रिएक्शंस के थ्रू है उनको एनाफिलोटिक रिएक्शन कहा गया। जिस तरह जो ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन हैं वो भी एनाफिलोटिक बन सकते हैं क्योंकि उनसे अल्फा कीटोग्लुटामेट एज पार्ट, क्योंकि ट्रांसमाइनेशन के थ्रू भी अल्फा कीटोग्लुटामेट और ऑक्सैलोसिडेट की फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा ट्रांसमाइनेशन के थ्रू या एस्पार्टेट ग्लूटामिन दे सकते हैं। बाकी आपका मैंने बता दिया कि पाइरुवेट थ्रू पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कन्वर्ट होता है एक्सैलेसिडेट में, एंड पाइरुवेट थ्रू मैलिक एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। ये चार एनाफिलोटिक रिएक्शन से। बाकी जो एम्फीबॉलिक इन नेचर है वो तो ये हो गया, सक्सिनाइल को ए हीम सिंथेसिस में यूज हो रहा है, सक्सिनाइल को ए प्रोपिनाइल को ए से डिराइव हो रहा है। बाकी क्या कहते हैं जो सिट्रेट है वो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जा रहा है, एंड जो आपके यही अल्फा कीटोग्लुटामेट और ऑक्सैलोसिडेट है ये एस्पार्टेट और ग्लूटामिन दे रहे हैं, जो कि फिर आगे प्यूरीन सिंथेसिस के लिए और बाकी प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए यूज हो सकते हैं। सो दैट वाज इट, आई होप इसी समझ में आ गया। और इसके पीछे मैंने पीछे आई थिंक यहाँ पे यस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे जो आई थिंक मैंने अब सारे बता ही दिए हैं कि दो कार्बन एंटर साइकिल एस एसिटाइल को है एंड लीव एस सी ओ टू। यस ये जो सी ओ टू बेसिकली बन रहे हैं ना यहाँ पे दो, ये वो दो एसिटाइल को एक है, एसिटाइल को एस टू कार्बन कंपाउंड, एक जो सीओ टू यहाँ पे निकला है और जो दूसरा सीओ टू यहाँ पे निकला है, ये बेसिकली एसिटाइल को एक कार्बन से जो कि एज फॉर्म ऑफ सीओ टू रिलीज हुए हैं यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। उसके अलावा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज अनदर सोर्स ऑफ एसिटाइल को ए, वो हमने पढ़ा जो कि मैंने बता दिया। सिट्रेट सिंथेसिस इनिशिएटिंग एंजाइम ये भी मैंने पढ़ लिया। एकोनिटेसिस आयरन सल्फर प्रोटीन ये मैं बताना भूल गया था। हाँ जो इसमें बताना भूल गया कि जो एकोनिटेस है ना ये फ्लोरो एसिटेट से इनहिबिट हो सकता है। बाकी ये जितनी भी चीजें हैं कि ऑक्सीडेटिव ये सब मैं बता चुका हूँ, और आइसोसिट्रेट स्टेप ये सब मैं बाकी बता चुका हूँ। इसमें जो एक चीज मैं बताना भूल गया था वो ये है कि ये वाला जो स्टेप है एकोनिटेस वाला, ये एक प्लांट का पेस्टिसाइड होता है विच इज नोन एज फ्लोरो एसिटेट, उससे इनहिबिट हो जाता है। क्यों? और वो काफी पॉइजनस इनहिबिशन होती है क्योंकि जो फ्लोरो एसिटेट है, फ्लोरो एसिटेट बेसिकली फ्लोरोसिट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है, और फ्लोरोसिट्रेट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एकोनिटेस का इनहिबिटर है, जिसके थ्रू वो होकर वो इनहिबिट कर देगा और वो पॉइजनस भी होता है, जिससे टी सी एस आई का पूरी अफेक्टेड हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी जनरेशन ऑफ जीटीपी बाय सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सक्सिनाइल कोए कैन बी कन्वर्टेड टू पाइरुवेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये मैं बता दिया। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का बताना भूल गया था कि ये जो सक्सिनाइल कोए है और जो आगे जो प्रोडक्ट्स हैं ये फर्दर फिर पाइरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस के तौर पर भी यूज होता है। पाइरुवेट हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की वीडियो में देखेंगे कि पाइरुवेट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का प्रिकर्सर है, तो ये भी एक पाथवे जिसमें ये जा सकता है। बाकी और जो शुरू के तीन एंजाइम्स होते हैं ना, सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस और अल्फा कीटोग्लुटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ये बेसिकली रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं टीसीएस साइकिल के। ये वाला ये रेगुलेट, ये टीसीएस साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। सो दैट वाज इट, आई होप इजीली समझ में आ गया, एंड थैंक यू।